दोस्तों नमस्कार। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। व्यापम परीक्षाओं के लिए 50,000 निःशुल्क प्रैक्टिस प्रश्न इस ऐप पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा शिक्षक का डेली डोज, प्रतिदिन शिक्षक वर्ग 2 के विषयों की निःशुल्क तैयारी यहाँ पर आपको होती है। इसके अलावा हम लोग बात करें अगर शिक्षक वर्ग 2 की टेस्ट सीरीज की तो वो भी आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और आप अगर आप हमारे कोड GURLABH50 का यूज़ करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों शिक्षक भर्ती संबंधी एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है, हम लोग देख लेते हैं कि क्या वो अपडेट है। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं व्यापम की साइट पर और क्लिक करते हैं यहाँ पर अंग्रेजी पर। और आप देखिए यहाँ पर अगर हम ऑनलाइन फॉर्म पर जाते हैं तो जो कोर्ट केस के लिए आवेदन की तिथि थी 19 नवंबर, उसको अब नहीं बढ़ाया गया है। यानी कि यहाँ पर अगर हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छी खबर हमें सुनने में आई है कि कम से कम अब डेट को नहीं बढ़ाया गया है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये डेट फिर से ना बढ़ जाए, और ये व्यापम ने यहाँ पर एक अच्छा काम किया है कि डेट को नहीं बढ़ाया है। अब आगे ये आप लोगों के मन में क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या परीक्षा की डेट व्यापम को आगे बढ़ाना चाहिए या बढ़ेगी। तो भाई इसके बारे में अभी कुछ कह पाना पॉसिबल नहीं है। ये इलेक्शन के बाद का ये हम लोग कह सकते हैं कि ये रहेगा, इलेक्शन किस प्रकार का रहेगा और क्या परिणाम होगा उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर क्या आगे जो है सिचुएशन निकल के आती है। अभी मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग अपनी तैयारी ज़रूर कंटिन्यू रखिएगा और पढ़ाई निश्चित रूप से आप लोग करते रहिएगा और लगातार टेस्ट जरूर दीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए अभी अवेलेबल होने वाला है। लाइव क्लास हम लोग करते हैं शाम को, आपको ये 6 से हो जाती है तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। अभी कुछ ही देर में आपको लाइव क्लास मिलने वाली है तो लाइव क्लास ज़रूर आप लोग अटेंड करिएगा। साथ ही साथ आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू ज़रूर रखें। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि व्यापम की परीक्षा हो या निरस्त हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपना सिलेक्शन अगर सुनिश्चित करना है तो व्यापम परीक्षा कराए ना कराए, आपको कोई भी परीक्षा कोई भी कराए, व्यापम कराए, केंद्रीय विद्यालय संगठन कराए, CTET कराए, अपने आप को खुद इतना प्रिपेयर आपको कर लेना है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के काबिल अपने आप को समझने लगें। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। डेफिनेटली एग्ज़ाम निश्चित रूप से होगा, अभी नहीं तो आगे होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती तो भी फिर आगे होगा, एग्ज़ाम होगा डेफिनेटली, क्योंकि शिक्षकों की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो उन वैकेंसीज को तो फिलअप करना ही है, तो बिल्कुल यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को अपना स्थान बनाना है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर तैयारी कंटिन्यू करते रहने चाहिए। तो इस वीडियो में हमने बात की है यहाँ पर पात्रता जो परीक्षा है PEB की, उसकी डेट अब आगे नहीं बढ़ी है तो एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए है। और आगे क्या और न्यूज़ निकल के आती है आप लोगों को सभी जानकारी मिलती रहेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।